भोपाल में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई हुई, जिनमें 90 से ज्यादा आवेदन आए। इन आवेदनों पर कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने सुनवाई करते हुए कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर दिया। इनमें सड़क, पानी, बिजली सहित अन्य समस्याएं शामिल थी। जनसुनवाई में बहुत अलग अलग तरह के प्रकरण आए हैं और लगभग 90 प्रकरण हमारे पास आए हैं और अभी भी कुछ लोगों ने दिए हैं। तो उसमें विभिन्न तरह के हैं, किसी को हॉस्टल में एडमिशन चाहिए या किसी को पेंशन नहीं मिली है या किसी को BLO ड्यूटी का है, इस तरह के कहीं रास्ता खुलवाने को लेके हैं। तो बहुत सारे विभागों से संबंधित है, पेंशन का भी जैसे एक आया था कि उसको पेंशन नहीं मिली है स्वास्थ्य विभाग से, तो ऐसे जो तमाम प्रकरण है उनका निराकरण किया जा रहा है। नहीं, इसमें बड़ा क्लियर है कि जो FTL है वो तो सबको अब दिख ही रहा है, उस पर नगर निगम चिन्ह भी लगा रहा है, ड्रोन फोटोग्राफी भी हो गई है, उसकी सैटेलाइट इमेज भी हम लोग ले रहे हैं, हमारे राजस्व नक्शों में भी उसको किया है, GPS लोकेशन भी ले लिए। तो हमने उसको पुख्ता करने के लिए कि कहाँ तक उसका लेवल होता है उसको पूरी तरह से पुख्ता करने का इंतज़ाम हम लोगों ने कर रखा है।